एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का हिंट एंड सॉल्यूशन पार्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कई दिए हैं, मेरे ख्याल से तीन पार्ट है, मैं दो पार्ट करके दिखा रहा हूँ। कह रहा है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखिए, परिवर्त आव्यूह। तो मानते हैं कि यह ए है, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा भाई कॉलम है, रो में चेंज कर दो, 5 1/2 -1। ओके, ये हो गया आपका। ये है, इसको भी दूसरे को भी मानते हैं कि क्या है, बी है, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? कॉलम को रो में चेंज कर दो, या रो को कॉलम में चेंज करो, या कॉलम को रो में चेंज करो, बात ही एक ही हुई। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, चाहे जिसमें चेंज कर दो, बात एक ही हुई। तो हम रो को कॉलम में चेंज करते आए हैं, 1 -1 1 -1, फिर 2 3 2 3, ये हो गया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है कि ए बराबर इतना मैट्रिक्स, ए बराबर इतना मैट्रिक्स, बी बराबर इतना, तो प्रूव दैट ए प्लस बी का डैश होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे वही है, ए बताया था ना, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। ओके, चलिए तो पहले तो हम ए प्लस बी निकालते हैं। क्या ए प्लस बी? -1 -4 -5। ओके, 2 और 1 3, 3 और -5 -2, चलो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 and 0 9, -2 + 1 -1, ठीक है, 1 और 3 4, 1 और 1 2, ये हो गया बाबू। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए डैश, सॉरी ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी का होल डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है उसका, क्या हो जाएगा? -5 3 -2 6 9 6 9 9, -1 4 2, ये निकल गया इतना पोर्शन। चलिए ये हुआ, अब ए डैश निकालते हैं। ए डैश बराबर इसका ट्रांसपोज लेता हूं, -1 2 3, ठीक है, 5 7 9, -2 1 1, चलो ए डैश निकाल लिए, बी डैश निकाल लिए। अब ए डैश प्लस बी डैश करता हूं, चलो -1 -4 -5, 5 और 1 6, -2 1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 और -5 -2, और 9 0 9, 1 1 2। देख लो बेटा ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं इक्वल हैं, तो प्रूव हुआ कि नहीं, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, यह पार्ट भी आप कर सकते हैं बहुत आराम से, डू योर सेल्फ, इस पार्ट को आप खुद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डैश का मान दिया है, बी का मान दिया है, फिर वही प्रूव करने के लिए आपको दे दिया, फिर वही, तो ए निकालो भैया, ए 3 4 -1 2 0 1, आप तो कर सकते हो भैया। चलो अब इस बार ये प्रूव करके दिखा दूं, नहीं तो उसमें नहीं दिखाया था। अब ए माइनस बी निकालता हूं, ए माइनस बी, चलो 3 में से देखो
टू बाई थ्री ए भी है, टू बाई थ्री ए भी है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तभी तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन पॉसिबल है। तो प्लस थ्री माइनस टू, टू माइनस वन टू, वन जीरो वन वन, चलो फोर वन फाइव, टू टू फोर, ठीक है टू टू फोर, और वन थ्री फोर, ये ए माइनस बी हो गया। चलो ए माइनस बी डैश निकाल दो जरा, तो जरा निकालो, तो फिर वही क्या होगा इसका, रो का रो किस में बदल दो, कॉलम में। ओ माई गॉड, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज नॉट सेम। ऑर्डर इज नॉट, हाँ सेम तो हो गया यार ये, हाँ ये बी का ऑर्डर सेम है यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका ऑर्डर, मैं यहाँ से कंफ्यूज हो गया भाई, इसका ऑर्डर ठीक है। चलो तो ए बी डैश टू वन वन फाइव फोर फोर, ये हो गया भैया। चलो ए डैश का मान दिया है, बी डैश का मान निकालता हूँ, बी डैश का क्या हो जाएगा, माइनस वन टू वन, ओके वन टू थ्री, ओके। अब ए डैश माइनस बी डैश, चलो ए डैश यह हुआ, थ्री माइनस माइनस वन क्या हो गया फोर, फोर माइनस वन क्या हो गया थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, टू माइनस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो, तो गलत आ रहा है भाई, ये तो गलत आ रहा है, ये बराबर तो ये हो गया, थ्री माइनस वन जीरो, फोर टू वन, ये हो गया, ये बी दिया हुआ है, ए माइनस बी थ्री माइनस वन, तो थ्री माइनस माइनस वन यहाँ फोर हो जाएगा भाई, गलती मेरी ही है, माइनस वन माइनस टू, ये माइनस बी है यहाँ पर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, जीरो माइनस वन माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, फोर माइनस वन थ्री, टू माइनस टू जीरो, वन माइनस थ्री माइनस टू, ये होगा। और जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्शन जगह एडिशन कर दिए, फोर माइनस थ्री माइनस वन थ्री जीरो माइनस टू, चलिए भाई ठीक है। तो ए माइनस बी डैश, तो थ्री माइनस माइनस वन फोर, फोर माइनस वन थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, टू माइनस टू जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, वन माइनस थ्री माइनस टू, देखो भाई ए फोर थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, ए इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, मतलब क्या सिद्ध हुआ, ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, इसको आप खुद कर लेंगे, उसको कर लीजिए और नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर फोर डू योर सेल्फ, आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर फाइव में है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट मैं प्रूव कर दे रहा हूँ कि ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है ये प्रूव करना है हमको। तो पहले तो देखेंगे कि ये थ्री इंटू वन की मैट्रिक्स है या वन इंटू थ्री की मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट का कॉलम बराबर सेकंड का रो, इसका मतलब ये हुआ क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो चलो भाई अब हम ए बी निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो में क्या हो गया वन, और फर्स्ट कॉलम में क्या माइनस वन, बोलो भाई
A1, फर्स्ट रो ए और फर्स्ट कॉलम ए, फिर सेकंड रो ए सेकंड कॉलम ए। देखो हेल्पिंग मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो भैया फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स वन फर्स्ट कॉलम माइनस वन, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए हमको, तो वन माइनस वन। फिर सेकंड कॉलम टू, वन इंटू टू टू, फिर वन इंटू वन प्लस क्या थ्री, गलत कर रहा हो क्या, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन हुआ, फिर वन इंटू टू टू हुआ, वन इंटू वन वन हुआ, ठीक है चलो। फिर फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर हुआ, माइनस फोर इंटू टू माइनस एट हुआ, माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर हुआ। फिर थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री हुआ, थ्री इंटू टू सिक्स हुआ, थ्री वन जा थ्री थ्री हुआ। अब देखो ये थ्री बाई वन था, ये वन बाई थ्री था, तो थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स हमको मिलनी चाहिए थी, ये थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स हमको मिल गई, ए बी बराबर, ए बी बराबर। अब हमको तुरंत क्या लेना है, क्या ए बी डैश, क्या ए बी डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा भैया, रो को कॉलम बदल देता हूँ, माइनस वन टू वन, माइनस फोर माइनस एट माइनस फोर, माइनस सिक्स माइनस थ्री सिक्स थ्री, माइनस थ्री सिक्स थ्री, ये हो गया ए बी डैश, ये हो गया ए बी डैश। अब चलिए भाई हमको बी डैश ए डैश निकालना है, चलिए पहले तो हम ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस फोर थ्री, और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन टू वन। अब बी डैश इंटू ए डैश करना है हमको, दिख रहा है कि नहीं भाई, नहीं दिख रहा है तो कैमरा ऐसे कर देता हूँ तिरछा, अब दिख जाएगा। चलो बी डैश, चलो ये क्या है, वन इंटू थ्री, ये थ्री इंटू वन, ठीक है, थ्री इंटू इसका कॉलम इसका रो बराबर है, जो मैट्रिक्स हमको मिलनी है, जो मैट्रिक्स हमको मिलनी है ये वन बाई वन की मिलेगी कि थ्री बाई थ्री की मिलेगी, बोलो, ये तो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ दिख रहा है भाई, मैंने कुछ गड़बड़ वड़बड़ कर दिया है क्या, थ्री इंटू वन वन इंटू थ्री, ए बी किया तो थ्री बाई थ्री, कहाँ दिमाग चला जाता है मेरा यार। बी डैश इंटू ए, तो ए इसका कॉलम, इसका कॉलम इसका रो, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो यहाँ थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स होगी भैया, थ्री बाई थ्री। चलो इसका कॉलम इसका रो क्या हो जाएगा, माइनस वन फोर थ्री मल्टीप्लाई, फिर इसका कॉलम टू वन जा टू, टू फोर जा माइनस एट, टू थ्री जा सिक्स, वन वन जा वन, वन माइनस फोर जा, ठीक है, वन थ्री जा थ्री। देखो भाई माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस, ओ माय गॉड, ए बी डैश माइनस
माइनस वन टू थ्री, माइनस फोर माइनस एट, माइनस फोर माइनस थ्री सिक्स थ्री, ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा है? बी डैश कहाँ है? माइनस वन टू वन, ए क्या है? ए डैश क्या है? वन माइनस फोर थ्री, ठीक तो है, माइनस वन प्लस फोर, बी डैश है, यह रो, ये काल। अच्छा भैया हो ऐसे लिख देता हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं खुद बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो बी बराबर है, ये है आपका माइनस वन टू वन, ठीक है, और ए डैश बराबर है माइनस वन फोर थ्री। देख भाई ए वन इंटू थ्री, ए थ्री इंटू वन, वन वन बराबर थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स आएगी, तो बी डैश ए बराबर। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस फोर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस थ्री, चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू, सेकंड रो सेकंड कॉलम एट ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम सिक्स, फिर वन माइनस वन, ओके माइनस वन फोर थ्री। देखिए ये बराबर तो नहीं है, और यह बराबर हो गया, चलो वन माइनस फोर माइनस थ्री, वन माइनस फोर माइनस थ्री, टू माइनस एट सिक्स, टू माइनस एट सिक्स, यहाँ वन, ओ ठीक है, अब ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो दोनों इक्वल तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी हमने किया है जरूर, कहाँ गड़बड़ी किया? देखिए यहाँ शायद गलत किया है क्या, माइनस फोर माइनस वन प्लस फोर होगा, माइनस फोर माइनस टू माइनस एट, माइनस फोर माइनस इंटू वन माइनस फोर, थ्री माइनस वन माइनस थ्री, थ्री टू सिक्स, थ्री वन जब थ्री, ये सही है। ए पी डैश क्या हो जाएगा? माइनस वन टू वन, यहाँ फोर होगा, फोर माइनस एट माइनस फोर, ठीक है, ये होगा माइनस फोर, फिर माइनस थ्री सिक्स थ्री, यहाँ यहाँ तक तो सही हुआ मामला, यहाँ तक तो सही हुआ। अब फिर यहाँ कर रहा हूँ माइनस वन वन, फिर माइनस फोर माइनस थ्री, टू माइनस टू एट सिक्स, फिर माइनस वन फोर सिक्स, अब जरा मिलाओ भाई, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत है, बी डैश ए माइनस वन टू वन है, वन माइनस फोर थ्री है, कहाँ से गलती हो रही भाई? कुछ न कुछ तो गलती है, चाहे जहाँ से गलती हो, कुछ हम ही किए हैं जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। कह रहा हूँ गलती कर रहा हूँ मैं, चलो माइनस वन माइनस वन का जब इसमें करोगे तो माइनस वन आएगा भैया, माइनस वन का फोर करोगे तो माइनस वन का फोर करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस फोर आ जाएगा, ये बी ए डैश है ना, माइनस थ्री हो जाएगा, ये देख रहे हो वन माइनस फोर थ्री है, मैं क्या लिखा हूँ फोर, तो गलत नहीं होगा। चलो माइनस वन वन, माइनस वन और ये प्लस है, वन माइनस फोर थ्री है, ये आप सही है, माइनस वन इंटू वन क्या हुआ, माइनस वन हुआ, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, प्लस फोर हुआ, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री हुआ, ठीक है, टू इंटू वन टू हुआ, टू इंटू माइनस फोर
माइनस एट हुआ, टू इंटू थ्री सिक्स हुआ, वन वन इंटू वन प्लस वन हुआ, वन इंटू माइनस फोर हुआ, वन इंटू थ्री थ्री हुआ। अब जरा देखो भैया, ए बी डैश माइनस वन फोर माइनस थ्री, माइनस वन फोर माइनस थ्री, टू माइनस एट सिक्स, टू माइनस एट सिक्स, वन माइनस फोर थ्री, वन माइनस फोर थ्री, हो गया ना, ये प्रूफ हो गया आपका क्या, ए बी डैश बराबर क्या बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ठीक है। केवल मुझे जल्दी थी, थोड़ा सा लिखने में उतारने में गलती कर दिया है, ठीक है, नोट इट प्लीज। चल सिक्स का सिक्स दिया है कि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्रूव दैट ए ए डैश बराबर आई। सिक्स में दो पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट में किए देता हूँ, चल तो ए अब इसको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अरे भाई तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, टू बाई टू, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, मल्टीप्लाई होगा। अब ए ए डैश निकालता हूँ भैया, ए ए डैश, चलो भाई ए ए डैश, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो हो गया है आपका क्या साहब, क्या कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब फर्स्ट कॉलम हो गया आपका क्या कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। चलो सेकंड कॉलम ले लेता हूँ भाई, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ना, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब सेकंड रूल लेता हूँ, क्या माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फर्स्ट रूल लेता हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, देखो इसका करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका करेंगे प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कितना हो गया जीरो, यहाँ हो गया जीरो। चलो सेकंड फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम लेता हूँ, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। चलो भाई ए ए डैश बराबर ये हो गया वन जीरो जीरो वन, दैट्स व्हाट आई, हो गया। सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिए, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट आप खुद करें, बहुत इजी है, यह भी तो इजी है। क्वेश्चन नंबर नाइन ए की वैल्यू दिया है, ए प्लस ए डैश अपॉन टू और ए माइनस ए डैश अपॉन टू दिया है, ये कर देता हूँ, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो। चलो भाई ए प्लस ए डैश बराबर क्या होगा, तो जीरो जीरो जीरो, ए और माइनस ए जीरो, बी और माइनस बी जीरो, हुआ फिर माइनस ए और ए, माइनस ए और ए क्या हुआ जीरो जीरो जीरो, चलो भाई आप क्या करें, यहाँ तो हो गया ना माइनस ए और ए जीरो 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 जीरो, सी और माइनस सी जीरो,
माइनस बी बी जीरो और माइनस सी सी जीरो और जीरो और जीरो जीरो ई हो गया। अगर हम ए प्लस ए डैश बाई टू कर दें तब भी तो ये आएगा जीरो 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 जीरो। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर टेन है कि इसे पहला एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्लस के रूप में दिया हुआ है। जैसे मैं पहला कर दे रहा हूँ, मान लीजिए कि ए बराबर है, मान लीजिए नहीं ये दिया हुआ है थ्री फाइव वन माइनस वन। ठीक है, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा थ्री फाइव वन माइनस वन। अच्छा, ए प्लस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये थ्री और थ्री सिक्स, फाइव और वन सिक्स, वन और फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया। अब ए प्लस बी अपान ए प्लस ए डैश अपान टू निकालो, दो का भाग देना है सब में, तो थ्री 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 माइनस वन। ठीक है, इसी तरह से a माइनस ए डैश निकाल दो तो क्या हो गया, थ्री में से थ्री गया जीरो, फाइव में से वन गया फोर, वन में से फाइव गया माइनस फोर, माइनस वन वन में से माइनस वन गया जीरो। ठीक है बेटा, अब a माइनस ए डैश अपान टू निकाल दो, तो दो का भाग हो जाएगा जी जीरो टू माइनस टू जीरो। अब आपको पता है ए बराबर ए प्लस ए डैश अपान टू प्लस ए माइनस ए डैश अपान टू। ए प्लस ए डैश कितना आ गया बेटा अपान टू, ये थ्री 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 माइनस वन प्लस जीरो टू माइनस टू जीरो, ये हो गया आपका आंसर। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए और बी समान ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समान ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए बराबर ए डैश और बी बराबर बी डैश, ऑर्डर सेम है। तो कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए व्हाट, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू व्हाट। इसका ये चार ऑप्शन दिया हुआ, एक ऑप्शन सही होगा। तो चलो भाई अब हम बताते हैं आपको कि लेट सी बराबर ए बी माइनस बी ए, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अच्छा, क्रम बदल जाता है, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। आपको पता है बेटा कि बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर ए, तो इसको लिख सकते हैं बी ए, इसको लिख सकते हैं ए बी, बराबर अगर माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए। ध्यान दो इतना, इसका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है सी डैश, सी डैश क्या है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो सी डैश बराबर क्या आया जरा बता दो, माइनस सी हो गया कि नहीं, सी बराबर ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, तो सी डैश बराबर माइनस सी। इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका विकल्प कौन सा सही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विकल्प वन, ऑप्शन वन इज करेक्ट। ओके, नोट इट प्लीज। एंड क्वेश्चन नंबर 12 डू योर सेल्फ, यू कैन डू इट वेरी इजीली। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 बता ही देते हैं, क्योंकि कंडीशन दिया है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई तो अल्फा बराबर क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो जाए
वैसे है बहुत इजी, a प्लस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ, कास अल्फा कास अल्फा, टू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, फिर कास अल्फा टू कास अल्फा, बोलो ये कह रहा है कि आई ए प्लस ए डैश बराबर आई, इसका मतलब क्या हुआ ये कि टू कास अल्फा जीरो जीरो टू कास अल्फा बराबर आई का मतलब वन जीरो जीरो वन, बोलो भाई टू कास अल्फा बराबर, टू कास अल्फा बराबर वन, तो कास अल्फा बराबर वन अपॉन टू पाई बाई थ्री, कॉस आठ अंश माना होता है अल्फा बराबर पाई बाई थ्री, विकल्प कौन सा सही है, जो विकल्प सही है अपना सही का निशान लगा देना, वैसे विकल्प ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। थैंक यू सो मच।